Good morning student i hope you all are doing well and today i am going to discuss with you question number 3 exercise 12.1 class 9 now the question is there is a slide in a park one of its side walls has been painted in same color with the message keep the park green and clean if the side of the wall are 15 meter 11 meter and 6 meter find the area painted in color मीन्स जो आपका पार्क है वो किस वे में है इस तरह से मीन्स ट्रेंगुलर है शेप ऑफ द पार्क कैसी है ट्रैंगुलर है ठीक है इस वे में ओके ये आपका पार्क है और यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन मतलब अपने पार्क को हरा भरा और साफ़ रखो ठीक है अब आपको क्या कहा गया है कि जो इसकी लेंथ ब्रेथ है मीन्स थ्री साइड्स जो है इसकी वो कितनी है फिफ्टीन मीटर सिक्स एंड इलेवन ठीक है इसमें मैं आपको गिवन है तो यहाँ पे फटाफट फड़ सोल्व करते हैं सिंपल सा है सभी थ्री की थ्री साइड्स कैसी है डिफरेंट है दैट मीन्स ये स्केलन ट्रायंगल होगी तो कैसे सोल्व करते हैं हमें पता है जो हमारी स्केलन ट्रायंगल होती है उसको कैसे सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला सो यहां पे लिखेंगे इन क्वेश्चन वी हैव गिवन थ्री साइड ऑफ दर्क इजल टू इलेवन सेंटी फिफ्टीन मीटर इलेवन मीटर एंड सिक्स मीटर रिस्पेक्टिवली सबसे पहले आपको ये लिखना है देन आप क्या करोगे पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे है ना क्योंकि जो हीरो फॉर्मूला उसके लिए हमें क्या चाहिए इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो इसके एरिए के लिए हमें क्या चाहिएगा पैरामीटर और जो हीरोम शॉर्मा उसमें सेमी पेराीटर का यूज़ होता है तो डायरेक्ट हम सेमी पैरामीटर ही फाइंड आउट कर लेते हैं सेमी पेरी सेमी का मतलब होता है हाफ है ना सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगर पार्क क्या हो जाएगा भाई समोफॉल साइड दैट मीन्स इलेवन प्लस सिक्स प्लस फिफ्टीन डिवाइड बाई टू यही होगा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जो सेमी पैरामीटर उसको ऐसे डिनोट करते हैं दैट मीन्स एसीजिकल टू कितना आ जाएगा आपका सिक्सटीन मीटर ओके बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रैंगुलर पार्क क्या हो जाएगा ट्रेंगुलर पार्क का जो एरिया होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी यही होगा ए बी सी क्या है यहाँ पे ए बी सी आर द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल नाउ क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करेंगे तो वही क्या आ जाएगा आपके सामने एस क्या है आपका सेमी पैरामीटर दैट इज सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस इलेवन सिक्सटीन माइनस सिक्स एंड सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन ओके मीटर स्क्यर देन यहाँ पे सोल्व करेंगे तो फर्दर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास सिक्सटीन एज जेड इज रहेगा सिक्सटीन माइनस इलेवन आपके पास क्या रहेगा फाइव देन सिक्सटीन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा टेन एंड द लास्ट वन इज सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन इज वन मीटर स्क्वेयर फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्सटीन किसका स्क्वेयर होता है फोर तो फोर बाहर ले, ले लेते हैं अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ फाइव इंटू टू देट मींस फाइव का एक फैक्टर बाहर आ जाएगा देन आपके पास क्या बचा रूट टू मीटर स्क्वेयर अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी रूट टू मीटर स्क्वेर ये क्या आ गया आपके पास एरिया ऑफ द गिवन ट्रैंगर पार्क यही हमें फाइंड आउट करना था नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बेटा फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेंगुलर ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर एटीन एंड टेन एंड पैरामीटर इज फोर्टी टू मीन यहाँ पे आपको थ्री साइड्स गिवन नहीं है ओनली टू गिवन है लेकिन टू तो गिवन है ना और पैरामीटर गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर हम यहां पे क्या करेंगे इन दोनों का सम करेंगे और पैरामीटर में से लेस करेंगे तो थर्ड साइड हमारे पास आ जाएगी डेफिनेटली इसी वे में होगा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे लिखेंगे लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स एक्सलेट करके चल रहे हैं और पैरामीटर आपको गिवन है पैरामीटर कितना गिवन है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है भाई फोर्टी टू सेंटीमीटर गिवन है आपको देन क्या हो जाएगा टेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई टेन प्लस एटीन प्लस एक्स इजिकल टू फोर्टी टू होना चाहिए दैट मीन्स एक्सिजिकल टू क्या हो जाएगा फोर्टी टू माइनस एटीन माइनस टेन सो आंसर क्या हा जाएगा आपका एक्स की वैल्यू फोर्टीन आ जाएगी अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सेमी पैराीटर है ना सो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा सेमी पैरीमीटर कंप्लीट पैरामीटर गिवन है फोर्टी टू सेमी मीन्स हाफ ऑफ दिस पैरा टू टू जा फोर टू वन मीन्स ट्वेंटी वन सेंटीमीटर ंग हीरोमूला क्या हो जाएगा भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा रूट इंटू एस इंटू एस रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी जो की हमने अभी फाइंड आउट करी है ठीक है सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन आपका ऐसा है इंटू ट्वेंटी वन माइनस एटीन ट्वेंटी वन माइनस टेन एंड द लास्ट वन इज़ ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन जो कि आपने फाइंड आउट करा है ठीक है so सो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्दर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ट्वेंटी वन एज इट इज रहेगा ट्वेंटी वन माइनस एटीन कितना हो जाएगा थ्री ट्वेंटी वन माइनस टेन इजिकल टू इलेवन एंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन इजिकल टू सेवन ओके हाँ जी फर्दर सोल्व करेंगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके पेयर करेंगे क्या हो जाएगा थ्री सेवन जा दैट मीन्स थ्री का पेयर बन रहा है यहाँ पे सेवन का पेयर बन रहा है दैट मीन्स इसमें मिली थ्री इंटू सेवन इंटू थ्री इंटू इलेवन इंटू सेवन अगर फैक्टर करोगे तो इस वे में जाएगा आपका अब देखो ओनली इलेवन का यहाँ पे पेयर नहीं है बाकी जो रेस्ट ऑफ द आपके पास फैक्टर है उनके पेयर बन रहे हैं मीन्स थ्री का पेयर बनेगा तो आप एक थ्री बाहर निकाल सकते हो रूट से सेवन का पेयर बन रहा है तो एक सेवन निकाल सकते हो जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वेयर फर्दर सोल्व करेंगे सेवन थ्री ज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन रूट इलेवन सेंटीमीटर स्क्वेयर सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो टू क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे